दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सुविधा को पलीता लगाने का काम कर रहा है दिल्ली सरकार का मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली के मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में बने मोहल्ला क्लिनिक सुविधाओं के साथ दे रहा है बीमारियों को दावत। मोहल्ला क्लिनिक के चंद कदमों की दूरी पर बना है कूड़े का ढेर, मजबूरन इलाज कराने आ रहे हैं लोग इस गंदगी से गुजरकर। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का दावा करते हैं, शायद यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने आम जन के स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। लेकिन दिल्ली सरकार का यही मोहल्ला क्लिनिक अगर बीमारियों को दावत देने का कारण बन जाए तो क्या होगा? जी हाँ, ऐसा ही दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का है जहाँ मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में बना मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पलीता लगाकर नजर आ रहा है। दरअसल मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में बने मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के मद्देनजर सभी इलाज व दवाइयाँ निःशुल्क मुहैया कराती हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के चंद कदमों की दूरी पर कूड़े का ढेर देखने को मिल रहा है जो स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ बीमारियों का घर भी बन रहा है। उस पर तुर्रा यह कि इन कूड़े के ढेर में गौशव भी अपने लिए चारा ढूंढने को मजबूर हैं, जिसमें मजबूरन इलाज कराने आ रहे लोग इस गंदगी से गुजर कर आने में विवश हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के चंद कदमों की दूरी पर कूड़े का ढेर है जहां गौशव कूड़े में अपना चारा तलाश कर रही हैं। साथ ही आप देखेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक के पास से जा रहे पटरी पर एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है जो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रंजना रावत है। आप यहाँ अपना चेकअप कराने आए हैं? हाँ जी। किस तरह की सुविधा यहाँ पे? बहुत अच्छी सुविधा है, डॉक्टर सारे ट्रीटमेंट अच्छे से पहले आपकी बात सुनते हैं फिर उसके बाद ही सारी दवाइयाँ देते हैं। अगर मैं यहाँ की व्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ की सुविधाएँ हैं सारी? हाँ, सारी ठीक है, अच्छे से ही देखते हैं, मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तरन्नुम है। आप यहाँ अपने हेल्थ चेकअप के लिए आए थे, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ मिल रही है मोहल्ला क्लिनिक? मैं अपनी बीमारी की वजह से आई थी, बुखार था मुझे, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए मैंने मोहल्ला क्लिनिक से दवाई ली और मैं बिल्कुल ठीक हो गई, तो मैं इसलिए आ गई। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, दवाइयों की बात करें, तो किस तरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ? यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर मैं कहूँ एक तरफ कूड़ेदान दिख रहा है, दूसरी तरफ मोहल्ला क्लिनिक है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता नहीं बीमारियों को दावत देने का काम कर रहे हैं? ये तो है, अगर ये बीमारी कूड़ेदान से ही फैलती है, अगर ये कूड़ेदान हट जाए तो मोहल्ला क्लिनिक और ज़्यादा स्वस्थ हो सकता है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम सर बॉबी। आप यहाँ आए हैं, अगर मैं बात करूँ मोहल्ला क्लिनिक सुविधाओं की, किस तरह की सुविधाएं मिलती सर यहाँ पे? सुविधा इस तरीके की मिलती है, जो भी लोग यहाँ पे हमारे केजरी, सबसे पहले तो हमारे जो केजरीवाल है, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जिन्होंने कि मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक बना के एक ऐसा काम किया कि शायद किसी बीजेपी या कांग्रेस सरकार ने आज तक नहीं किया। और जो ये काम करते हैं, जैसे बच्चों का टेस्ट है, कोरोना टेस्ट में भी बहुत सारी छूट मिली, और यहाँ भी जो भी दवाई और हॉस्पिटल में नहीं मिलती वो यहाँ पे सारी दवाई अवेलेबल है। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक में आए लोगों का कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक में सभी सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध कराई जाती हैं और डॉक्टर भी अच्छे से इलाज करते हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग इस मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज कराने आ रहे हैं, क्या वे नई बीमारी को लेकर आ रहे हैं? तो एक बड़ा चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।